हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत एंड वेलकम बैक टू CUET बाय अड्डा 24/7। सो स्टूडेंट, क्या आप भी CUET 2024 की तैयारी कर रहे हो और आप भी चाहते हो कि आपका CUET क्लियर होके किसी ना किसी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो? तो बेटा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स का CUET 2024 का पूरा सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और साथ में एनालिसिस भी करेंगे कि किस चैप्टर या किस यूनिट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है और किस चैप्टर पे और किस यूनिट पे कम ध्यान देना है। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी समझेंगे और देखेंगे कि 12th के साथ साथ CUET किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ओके, तो सबसे पहले तो हमें नेचर समझना है कि CUET का एग्जाम हमारा किस तरह से होगा। सो CUET में इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम होता है उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 10 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल है। यानी 40 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे और 10 क्वेश्चंस को छोड़ दोगे, है ना। अब ये कंपलसरी नहीं है कि कौन से 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, आप अपनी मर्जी से जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा? 200 मार्क्स का पेपर होगा स्टूडेंट। अच्छा, आपको कितना टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा? आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे और इन 60 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और अपने इकोनॉमिक्स का पेपर देना है स्टूडेंट। ओके, अब हम बात करते हैं अपने डिटेल सिलेबस को कि कैसे कैसे क्या क्या आने वाला है। सो देखो, CUET का जो सिलेबस हो है उसमें कॉमनली जो आपने 12th में पढ़ा है या 12th में आप जो पढ़ोगे वही सब कुछ आने वाला है, बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी इसमें इंक्लूड करी है। जैसे 11th का कुछ पोर्शन है वो भी इंक्लूड करा है। जैसे माइक्रो इकोनॉमी आपने 11th में पढ़ी होगी, तो माइक्रो इकोनॉमी से भी कुछ कॉन्सेप्ट आ रहे हैं हमारे CUET 2024 के एग्जाम में। सो माइक्रो इकोनॉमी में से क्या कहेंगे? सो यूनिट 1 है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमी, जिसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमी के बारे में बेसिक चीजें समझेंगे। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझेंगे। इसके साथ साथ जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस, इस तरह की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है विद एग्जाम्पल्स इनको डिस्कस करना होता है स्टूडेंट। इसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड यूनिट है बेटा। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग किसमें पढ़ेंगे? एक तो सिंगल कमोडिटी में भी पढ़ेंगे और टू कमोडिटी के केसेस में भी पढ़ेंगे। दोनों ही केसेस में हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यूटिलिटी अप्रोच बारे में पढ़ेंगे। यूटिलिटी के अप्रोच जैसे कार्डिनल अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, और साथ में हम लोग बजट लाइन के बारे में भी पढ़ेंगे। बजट लाइन के बारे में भी हमें पढ़ना है क्योंकि इसमें से पूरा का पूरा डिटेल आएगा स्टूडेंट। डिमांड, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिमांड में से क्या क्या पूछा जाएगा, डिमांड के मीनिंग्स क्या है, डिमांड के टाइप्स क्या है, जिसमें मार्केट डिमांड हो गए, डिटरमिनेंट्स ऑफ अ डिमांड, डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन अ डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मेजरमेंट ऑफ अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर एंड ज्योमेट्री मेथड हो गया। एक तरह से जो हमने 11th में डिमांड में जो भी पढ़ा था, है ना, वो सारा का सारा हमें CUET के सिलेबस या फिर CUET के एग्जाम को प्रिपेयर करते टाइम भी हमें पूरा का पूरा पढ़ना है स्टूडेंट। अब आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके 12th में भी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके CUET में भी है बेटा। तो मैक्रो इकोनॉमी से हमें क्या क्या पढ़ना है CUET में? तो सबसे पहले बात करेंगे नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें हमें नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमी का मीनिंग क्या है, यानी बेसिक जो चीजें हैं मैक्रो इकोनॉमी की उसको हम लोग पढ़ेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, GDP, GNP, यानी जो एग्रीगेट्स के जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम को मेजर करने वाले जो मेथड है, लाइक वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। यानी मैक्रो इकोनॉमी का जो आपका 12th के सिलेबस में नेशनल इनकम के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, वो सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, जो आपके 12th में CBSE ने जो सिलेबस निकाला है आपके 12th का, उसमें से जो डिलीटेड पोर्शन है ना, वो भी हमें CUET की प्रिपरेशन करते टाइम पढ़ना है स्टूडेंट। इसके साथ साथ हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसमें हम लोग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, प्रपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, प्रपेंसिटी टू सेव क्या है, यानी APC, APS, MPC, MPS। अभी आपको ये चीजें समझ नहीं आएगी, बट जैसे ही आप चैप्टर पढ़ोगे, जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिंग होगी बेटा, उस टाइम आप इजिली इनको आराम से समझ सकते हो, है ना। ये थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन भी आएगा। इसके अलावा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में समझेंगे। इसके अलावा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, टू सेक्टर मॉडल
मॉडल क्या है, टू सेक्टर इकोनॉमी में किस तरह से इनकम को डिटरमाइन किया जाता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है और ये किस तरह से काम करता है, इसके साथ साथ एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो क्यों अराइज होती है, रीजन क्या है विद ग्राफ, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको कैसे कवर अप करना है यानी कैसे करेक्ट करना है इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। उसके बाद में हम लोग मनी और बैंकिंग के बारे में समझेंगे। ऑलमोस्ट आप देखोगे ना आपके 12th का सिलेबस एज वेल एज आपके बेटा सीयूईटी का सिलेबस ओवरलैप करता है, यानी 12th का सिलेबस और सीयूईटी का सिलेबस सेम ही है बट सीयूईटी में आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, है ना। मनी और बैंकिंग में आप क्या पढ़ोगे, मनी में मीनिंग इवोल्यूशन एंड फंक्शंस कौन कौन से मनी के, सेंट्रल बैंक है सेंट्रल बैंक में मीनिंग और फंक्शंस पढ़ेंगे, कॉमर्शियल बैंक के मीनिंग और फंक्शंस भी पढ़ेंगे बेटा। इसके अलावा कुछ टाइप ऑफ जो मनी है उसके बारे में भी इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट में देखेंगे कि गवर्नमेंट बजट उसका मीनिंग क्या है और उसके कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है गवर्नमेंट बजट के, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट यानी कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स है गवर्नमेंट बजट के, जिसमें रेवेन्यू हो गया, कैपिटल बजट हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू और कैपिटल हो गया, प्लांड और नॉन प्लांड हो गया, यानी सब कुछ मतलब जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे गवर्नमेंट बजट के वो सारे के सारे आ जाएंगे। टाइप ऑफ बजट में बैलेंस बजट हो गया, सरप्लस बजट हो गया, डेफिशिएट बजट हो गया, रेवेन्यू डेफिशिएट क्या होता है, फिस्कल डेफिशिएट और प्राइमरी डेफिशिएट, इन सब के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन होगा। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो पीपीटी है या जो ये सिलेबस का पीडीएफ है स्टूडेंट, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी टेंशन मत लेना कि मैम आपके पीछे हाइड हो रहा है, तो ये सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा स्टूडेंट। इसके अलावा अगर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट इसकी बात करें, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट जिसमें फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग, इनके मेरिट और डीमेरिट है, डिमांड और सप्लाई जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट की और किस तरह से डिटरमाइन होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं और इसके साथ साथ रीसेंट एक्सचेंज रेट का जो इशू हुआ यानी करंट में जो इशूज हो रहे हैं एक्सचेंज रेट के, इसके बारे में हम लोग ब्रीफ एनालिसिस करेंगे यानी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट बुक आ गई है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, जो बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं उनके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, तो अगर आपका सिलेबस स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग है और अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो स्टूडेंट, तो अभी से ही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना धीरे धीरे शुरू कर देना। डिस्कस तो हम सिलेबस कर ही रहे हैं, इसको आप डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगी मैं पीडीएफ का, आप इजीली जाके इसको डाउनलोड कर लेना। और बेटा क्या करना है आपको, साथ में इसकी भी प्रिपरेशन करनी है, सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हो तो साथ में आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छे से ही टारगेट करनी है। ओके, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में हम लोग देखेंगे 1947 से 1990 का ड्यूरेशन, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी ब्रिटिश जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उस ड्यूरेशन में इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी और इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, है ना, ये सब एक ही यूनिट में दे दिया जिसमें क्या बताता है कि इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे यानी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया की क्या इस कंडीशन थी, इसके साथ साथ कैसा इकोनॉमिक सिस्टम चलता था, फाइव ईयर प्लान्स कौन से थे, गोल कौन से थे फाइव ईयर प्लान्स के, जो प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज है एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की, फॉरेन ट्रेड की, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। एसएसआई के रोल्स और इम्पोर्टेंस क्या है, फॉरेन ट्रेड किस तरह से चल रहा था इस पूरे ड्यूरेशन में यानी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, जब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए थे यानी 1947 से 1990 की ड्यूरेशन एंड 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स पॉलिसीज या फिर जो मेन फीचर है इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के प्रोस्पेक्टस से। नेक्स्ट है बेटा करंट चैलेंजेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करा है यानी 6 चैप्टर को ये कैरी करती है जिसमें सबसे पहले पॉवर्टी, पॉवर्टी में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, मेन प्रोग्राम कौन कौन से हैं, पॉवर्टी एलिवेशन यानी पॉवर्टी को हटाने के लिए कौन कौन से मेन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने या फिर गवर्नमेंट लेके आई है या फिर प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, इसके साथ साथ क्रिटिकल असेसमेंट जो है इसको भी हम लोग देखेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अनदर चैप्टर स्टूडेंट जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी पीपल बिकम अ रिसोर्सेज
कैसे एक नॉर्मल पर्सन जो है वो कैसे ह्यूमन रिसोर्स बन सकता है, ह्यूमन कैपिटल बन सकता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। रोल कौन कौन से ह्यूमन कैपिटल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, इसमें भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। रूरल डेवलपमेंट में हम बात करेंगे की इशूज कौन कौन से हैं, क्रेडिट और मार्केटिंग जो है वो क्या होते हैं रूरल एरियाज में, कोऑपरेटिव जो है उसका रोल क्या है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या होता है इसमें, इस सबको हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कौन कौन से ग्रोथ और चेंजेस हुए हैं वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स कितना इंगेज है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर किसको कहते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इसकी प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो चैप्टर है ना, ये आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, याद रखना। बट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे CUET के सिलेबस में इसको पढ़ना है, ठीक है। एक पॉवर्टी भी है, ये भी आपके 12th के सिलेबस में नहीं दिखेगा। और इन चैप्टर्स में से किसी किसी चैप्टर का कोई कोई पोर्शन जो है आपको नहीं दिया हुआ होगा। जैसे अगर हम बात करें कुछ चैप्टर्स हैं, उनका कुछ पोर्शन है आपके 12th से सिलेबस से हटा दिया, बट आपको 11th के आपको CUET के सिलेबस में पढ़ना ही है स्टूडेंट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग मीनिंग और टाइप्स पढ़ेंगे, इसकी केस स्टडीज पढ़ेंगे बेटा। हेल्थ जो है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें ज्यादा फोकस करना है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इसका क्रिटिकल असेसमेंट भी करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इन्वायरमेंट में से हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उस क्यों जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, इन्वायरमेंट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग और कुछ जो जो ग्लोबल इश्यूज है लाइक ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन डेप्लिएशन हो गया, इन सबको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लास्ट बट नॉट लिस्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग इंडिया के डेवलपमेंट को पाकिस्तान और चाइना के डेवलपमेंट के साथ क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे और हम लोग स्ट्रेटजीज का कंपेरिजन देखेंगे यहाँ पे। ओके, कंपेरिजन विद द नेबर्स, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना का हम लोग कंपेयर करेंगे। देन इश्यूज जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। अब कुछ चीजें ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि हमारा 12th का सिलेबस है, बिल्कुल सही है बेटा। अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो आपके मैक्रो इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही बुक आएगी, और जो आपका 12th का सिलेबस है वो CUET के सिलेबस के अपर जो है ओवरलैप करता है बेटा। ओके, प्लस आपको ध्यान रखना है कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको 12th के सिलेबस में नहीं पढ़ने पर आपको CUET के सिलेबस में पढ़ने हैं बेटा, है ना। इसके साथ साथ आपका 11th का सिलेबस भी आपको कवर करना पड़ेगा, जो भी हमारा सिलेबस का पार्ट है CUET में उसमें 11th का भी कवर करना पड़ेगा। अब ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो कौन कवर करवा रहा है, कौन आपको पूरी की पूरी क्लासेस दे रहा है, जिसमें आपकी 12th साथ में एज वेल एज आपकी CUET 2024 का जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा बेटा। तो इसके लिए अडा 24/7 लेके आया है बेटा आपका एम्बिशन बैच, जो कि आपके CUET 2024 और बोर्ड क्लास 12 2024 का जो एम्बिशन है आपका उसको कवर अप करेगा, उसको पूरा का पूरा बेटा यहाँ पे कवर करके आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाएगा। इसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी, आपको बेटा टेस्ट स्कीम मिलेगी जिसको हम इम्तिहान कहते हैं, साथ में आपको लाइव डाउट सेशन मिलेंगे एक्सपर्ट्स के द्वारा, आपको डेली PDFs और DPBs मिलेगी, यानी हर बार हर चैप्टर या फिर हर टॉपिक के बाद में आपको उसकी DPB और साथ में आपको उसका PDF भी मिलेगा, आपके मॉक टेस्ट और ई-बुक्स भी मिलेगी बेटा। इसके साथ साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलेगा। अब आपको इस एम्बिशियस बैच 2024 में किस तरह से इनरोल होना है ये जान लो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है स्टूडेंट गूगल पे, और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है अड्डा 247, है ना। आपको यहाँ पे सर्च करना है अड्डा 247। जैसे ही आपने अड्डा 247 सर्च किया तो देखो सबसे पहला जो लिंक आया आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने उस पर क्लिक करा तो आपके सामने ये आ जाएगा, है ना। तो आपको कहाँ जाना है, ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में जाके आपको जाना है UG एंट्रेंस में, है ना स्टूडेंट। यूजी एंट्रेंस में जाके आप जाओगे CUET में, अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स को आपको क्लिक करना है, अगर आप आर्ट्स से हो तो आर्ट्स को क्लिक करना है, ठीक है। जस्ट सपोज दैट आप कॉमर्स से हो तो आपको कॉमर्स में क्लिक करना है। अब देखो इकोनॉमिक्स आपको कॉमर्स में भी मिलेगा, इकोनॉमिक्स आपको आर्ट्स में भी मिलेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग आप क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, आपको जाना है एम्बिशियस बैच पे, इस पर क्लिक करना है स्टूडेंट। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने सारी की सारी डिटेल्स निकल जाएगी इस बैच की। यहाँ पे आपको मिलेगी 500 आर्ट्स की 2-way इंटरेक्टिव क्लासेस, 289 टेस्ट सीरीज, 66 ई-बुक्स, इसके अलावा 60 सिलेक्शन टेस्ट
130 फुल लेंथ के टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्लासेस तो होगी होगी, इसके अलावा उस लाइव क्लास की आपकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, डीपीपीज मिलेंगी बेटा आपको, इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ्स मिलेंगी, ठीक है, और 13,000 से ज्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा बेटा, है ना, और जो पीवाईक्यूज हैं, जो मॉक टेस्ट है, वो भी सारे मिलने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो आपके 12th और सीयूईटी 2024 का वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आया बेटा सीयूईटी अडा 247, जिसमें एम्बिशियस बैच है और इसमें आप अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हो। यानी आपके 3 सेक्शंस जो होते हैं, फर्स्ट आपका लैंग्वेज का सेक्शन, डोमेन का सेक्शन, एंड थर्ड जो होगा बेटा आपका आपका जीटी का सेक्शन, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा बेटा, है ना। और इसमें कौन सा टीचर आपको कैसे पढ़ाएगा ये भी आप देख सकते हो, ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस है ना, ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ये आप देख सकते हो, लाइव सेशन है बेटा, तो आप आराम से जाके देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको परचेज करते हो, है ना, इनरोल होने के लिए आप इसको परचेज करना पड़ेगा, और परचेज करते टाइम ये जो बैच है आपको कितने में पड़ रहा है, अभी आपको 10,499 का पड़ेगा, जिसमें आपकी बोर्ड प्लस सीयूईटी 2024 की तैयारी होगी बेटा। अब ये तो बहुत महंगा है, अब इसके लिए थोड़ा सा इसमें डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है Y490। जैसे ही आप ये Y490 अप्लाई करते हो, तो यही बैच आपको अब 8714 का पड़ेगा, यानी 17% के मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये इस बैच में आप इनरोल हो जाओगे बेटा। तो कोड यूज करना ना भूले Y490, ठीक है बेटा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए हमारा चैनल CUT by Adda 24/7 जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए बाय टू योर।